भाई और बहनों, मेरा आपको सबको नमस्कार। और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे रूपाराम भावलाल यूट्यूब चैनल को आप यूट्यूब चैनल पर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको नए नए वीडियो मिलने वाले हैं और आप अपने परिवार के अंदर मिलजुल कर रह सकते हैं और प्रेम से जी सकते हैं। हमारे पास में नए नए वीडियो आप तक हम पहुंचाते हैं। आप जब सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी तो आपके तक मैसेज आने वाले हैं। हमारे वीडियो तो हजारों लोगों तक देश विदेश के अंदर अभी जा रहा है, क्योंकि हम जो भी बात बोलते हैं अच्छी अच्छी बोलते हैं, इसलिए हमारे वीडियो बहुत लोगों को पसंद भी है। इसलिए हमारा वीडियो अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और बहुत लोग देख रहे हैं। जो लोग अच्छी अच्छी शिक्षा सिखाएंगे उसके लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी रहेगी कभी भी। इसलिए जो भी कहना है दिल के खुशी से कहना है। किसी के घर बनाना सीखिए, किसी का घर गिराना मत सीखिए। इसलिए अभी मैं आपको ये कहानी हकीकत में दिखाने जा रहा हूँ, आप आराम से देख लेना। लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल। रात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती हैं अपने पति से, क्या दूध तुम्हारे लिए लेके आए हैं या मेरे लिए? और उसके बाद में वो लड़की बोलती नहीं है और दहेज लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती है और लड़का भी एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है, जिससे घर में एक माँ के अलावा कोई नहीं रहता है। इसलिए उसके लड़की और लड़का के दोनों पापा बहुत पुराने दोस्त थे। इसलिए वो लड़की के पापा बहुत पैसे वाले थे और लड़का के पापा पैसे वाले कमती थे। इसलिए वो उसके पापा ने लड़की की शादी तो उस लड़के के साथ में करा दी और वो लड़की दूसरे के साथ में ऐसे ही रोज जाती थी, बातचीत करती थी और शाम को वापस घर लौट जाती थी। इसलिए एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे लड़के के से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा कोई भी नहीं रहता है। इसलिए ये वीडियो हमारा सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिए। आपके परिवार के लिए या आपको सीखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बात इसके अंदर आपको मिल जाएगी। जल्दी से जल्दी आप यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए। और लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वह उसको बचाए रखती थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुँच कर कहती हैं, लड़की जो रोज़ घर से बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूट कर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर बेटे को बहुत डांटती हैं। इधर लड़की को बहाना चाहिए था, झगड़े का जो इसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर के लड़की घर से बाहर सुबह निकलती थी, शाम को ही घर लौटती थी, क्योंकि उसके पापा पैसे वाले थे। इसलिए वो दूसरे से प्यार करती थी भी गंदा के, और वो लड़की बोलती मेरे को गंदा है कि माँ को अब सबक बोल दे खाना फेंक देती थी, मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा लेता है, मगर माँ अपने उसके बच्चे का हाथ पकड़ लेती है। और पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटने ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन लड़का भी घर पे ही था तो लड़की ने अच्छे भले खाने को और सोने से पहले डायरी लिख
लड़के बहुत रोज़ जॉब भी करता था, और जब वो रात में सोता था रोज़ उसकी एक उसके बुक के अंदर लिखता था, मेरी ज़िंदगी ऐसी जाती थी और मेरे परिवार में ऐसा ऐसा दुरुपयोग हो रहा है। और वो लड़का सोने से पहले रोज़ डायरी में लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। ऐसे लड़की के पास एक स्कूटी था, वह रोज़ बाहर जाती थी, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था, बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। बेहद ही मेहनती और इनामदार लड़का था। करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, वो लड़की बहुत बेईमान थी, और उसके लड़के की माँ रोज़ सिर्फ सुबह 6 बजे से रात में 10-11 बजे तक पूरा घर का काम करती थी, और वो लड़की सिर्फ सुबह वो लड़का ऑफिस जाता था, उसके बाद में वो लड़की स्कूटर लेके बाहर जाती थी। जब वो लड़का लौटता था उनसे 10 मिनट पहले ही वो लड़की घर पे लौटती थी। पूरे दिन किधर किधर वो घूमती थी उसको भी मालूम नहीं था, क्योंकि ये पैसे वाली लड़कियाँ ऐसी होती हैं, क्योंकि उसको घमंड बहुत ज़्यादा होता है। और चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती थी माँ। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर भी चूल्हा रसोई के अंदर बाहर सब काम करती थी। मान मार कर रह जाती थी, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुटा सकूं। है तो दुल्हन मगर घर का कोई काम नहीं करती थी कि कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ पी लीजिएगा, हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए हैं, कह के कमरे से निकल जाता था लड़का, क्योंकि लड़का बहुत सुंदर था और भोलापन का था। वो लड़की बहुत बेईमान थी, क्योंकि उसके बाप के पैसों के ऊपर उस लड़की को बहुत सारा घमंड था, और लड़के उसके पैसे पैसे एक पैसा भी खर्च नहीं किया, मेहनत करके उसने पैसा पैसा जोड़ के रखा था। क्योंकि ज़िंदगी कब पलटती है कब सुधरती है किसी को मालूम नहीं है। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं। यह हक पति आपको इतनी लंबी और गहरी बातें कहने के लिए हम सिखा रहे हैं। लड़का ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं आज रात को बाहर जा रही हूँ। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं रात 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यह हमारे बिना मेरी सासे सासे घूरती हैं। मगर अफसोस, वह अकेली चिल्लाती रहती हैं, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे गए और लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो, बस कुछ गहने हैं वह लेके आऊँगी। आज लड़का लड़की को होटल का पता लेकर चला जाता है। लड़की घर ओके फिर से लड़ाई करती है, बस कुछ गहने हैं वह लेके आऊँगी। आजा, लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर पर ओके फिर से लड़ाई करती हैं।
मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की उस गवार के पास, कहाँ होगा पैसा? मेरे बाप से 3 लाख रुपए ऊपर से मारुति कार ली है, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटी मान चुकी हूँ, बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है, बस वह लगा दो। सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना लड़का, ठीक है? मैं तैयार हूँ और बस तुम्हारा तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ सो न सकी, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मैं चाहती हूँ। मैं ऐसी बातें आपको समझाती और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ, बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता ये सब कुछ है। कमा भी तो सकते थे लड़का चलाकर। इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क को भूत 2 दिन में उतर जाते थे। बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पास बुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख दिए लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ? हम दोनों मेहनत करके खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की तुम्हारे और मैं मेरे प्यार के, तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागोगे तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल कल पे लगी रहती हो। लड़की शादी के दिन में आई थी तो तुम्हारे पास, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज गवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब से एक रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना। तुम आज़ाद हो कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक की पेपर हैं, जहां मैंने अपने मुझे, क्योंकि मैंने दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी, आज भी तुम्हारे घर पे हैं जो मेरे इसलिए भेजी ताकि अब तुझे मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफरत है, होने की इज्जत है, मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मेरे तुम्हारे अकाउंट में कर लिए और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सामान मिलने न मिले, मगर एक दामाद इश्क का नशा है, वह हमेशा अपनों
वो गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित भी सोच रहा हूँ, क्योंकि लड़की को ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। लड़का बहुत ही लड़की को धोखा दे चुका था, वो उसका फ्रेंड था इसलिए, और पहली शादी भी हो चुकी है और आपको बता ना सके, क्योंकि तुम्हें पता था कि ये बेहद प्यार करती है। वो आपके पापा अपनी खुशी चाहते थे, इसलिए वह अपने लड़के को जानता चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की, एक दिन आपके पापा हमारे घर आए हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसास कभी नहीं भूलूँगा। कुछ से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती हैं। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देकर मेरे अपनी माँ से बेहद एक पेपर के साथ थे, और उसकी मिल्कियत लड़की के नाम थी। इसकी बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी में पड़ती है और वह लड़की जल्दी जल्दी थे जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी एक ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक्स्ट्रा लड़का रोज खरीद कर रखता था बीवी के लिए, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती हैं। अलमारी में उसके अपने पास बुक, एटीएम कार्ड, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रहा था। फिर वह अलमारी खोलकर देखती है जो उसने पहली बार खोला था कि पैरों तले है चाबी, मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती हैं। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, डायरी दे दो फिर बंद करना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की, लड़का तुम्हारी बिस्तर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है कि पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं। तो दुल्हन कहती है कि मैं इसकी धर्मपत्नी हूँ, वनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ, अब एक महीने तक मेरे पति देव ने उसके साथ बस बैठ जाती हूँ। फिर रास्ते में ससुराल और पति की ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती हैं। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस थोड़े हलवे और चाय बनाने अपनी स्कूटी में समोसा का जबरदस्ती बिठा कर, जबकि सास को भी स्कूटर पर बैठ के जबरदस्ती, जबकि कुछ पता ही ना ही है उनको कि भूख आज मुझे कहाँ ले जा रही है। कि जहाँ दुल्हन ने फिर किचन में जाके समोसा को
जबरदस्ती कमरे में लेके तैयार होने को कहती हैं और अपने गवार पति के लिए थोड़े नमकीन भी बना लेती हैं। टिक्की जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई जाती। तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था, अपने नहीं नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली, अपने मांग से फिर मंगलसूत्र, जबकि अपने एक सिसकते हुए मोबाइल से अपने सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के न जाने कब सो गई, पता नहीं चला, सुबह देर हो गई। दुआए मांग के लड़की का फ़ोन बज रहा था जो बॉयफ्रेंड मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी, पलकों से आंसू गिर रहे थे। गुस्ताखी का बदला हम सिद्दत से लेंगे, हम आपसे घर 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 आप मेरे हुई तो अपना मोहब्बत करके किसी और की हुई तो आपके हक में आपको दुल्हन बना के हम सफ़र बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं, जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर दूँगा आपके, आपसे हर होते सहन कर जाए फिर वह बेटा कैसा, कल आपके भी बच्चे होंगे चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। पलकें नम हुई थी, आगे लिखा था मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि अपने माँ को गाली दी और गा, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती करता है वो उसका बच्चा नहीं कहलाता है। लड़की हैरान थी, परेशान थी, ना चाहती चाहते हुए थी। गवार के शब्दों के ने दिल को छुआ था, ना चाहते हुए भी गवार के अनोखे प्यार को महसूस करके ही साइन कर दिया था। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेके आप जा सकती हैं, इसलिए आप कैसा भी सोचेंगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। 2 दिन की ये ज़िंदगी है, 4 दिन की चांदनी रात, फिर अंधेरी रात, आप किसी के पास में जाएंगे नाटक करके, 2 दिन ही अच्छे लगने वाले हैं बेटे, और 3रे दिन रो करके तुम्हारी माता पिता के पाँव में आकर आप गिरेंगे, क्योंकि जो सच्ची बातें होती हैं सबको कड़वी लगती है, इसलिए माँ बाप की आँखों में 2 बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब और दूसरा लड़का मुँह मोड़े तब। पत्नी पसंद से मिल सकती हैं मगर माँ का पुण्य से ही मिलती हैं, इसलिए पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। जब तू छोटा था तो माँ की सैयां गीली रखता था, अब बड़ा हुआ तो माँ की आंखें तू गीला रखता है। तू कैसा बेटा है, तूने जब धरती पर पहला सांस लिया तब माँ बाप तेरे पास थे, अब तेरा फर्ज है कि माता पिता का अंतिम सांस ले तब तक तू उसके पास रहे और उसका सम्मान करे, क्योंकि जो बच्चा सच्चा रहता है उसको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, और ये लड़कियों के पीछे पीछे घूमना ये आपको स्वभाव नहीं देता है। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। आप माता पिता की आप सेवा नहीं करेंगे तो आपके भी
आज नहीं तो कल बच्चे आप शादीशुदा होंगे, आपके भी लड़का लड़की होंगे और आपके वो भी आपको घर से बाहर निकाल देंगे, नहीं तो आप घर के रहेंगे नहीं गार्ड के रहेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी मेरा ये ऐसा ऐसा वीडियो खूब सारा है, आप मेरा वीडियो देख लीजिए। आप परिवार के अंदर वापिस पहले आपके दादा दादी कैसे जीते थे उसकी तरह जिए और आपके नई नई पीढ़ी के अंदर एक एक मोटी कौड़ी का लक्षण भी नहीं है आपको, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ घमंड के अंदर मर रहे हैं। ये लाइफ स्टाइल वो लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। ओल्ड इज़ लाइफ वेरी वेरी बेटर, जो आपके दादा दादी जीते थे उसकी तरह जीना सीखे और ये ऐसा बुक पढ़ना सीखे। ऐसी ऐसी बहुत ये हम बुक्स बहुत साल से पढ़ रहे हैं, ये बुक्स के अंदर बहुत सारी ज्ञान बातें रहती है और इंसान कभी भी हमेशा के लिए सफल रहता। स्वास्थ्य मित्र योजना प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले स्वास्थ्य संदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल रूरल एंड हेल्थ मिशन। इसलिए कभी भी आप अच्छी अच्छी बातें बोलना सीखें और शेयर करना सीखें। जो भी आपके मन के अंदर बातें हैं उसको छिपा करके रखेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद हो जाएगा और आप मेंटल की तरह हो जाएंगे। और जितनी जितनी आप बात शेयर करेंगे जितना ही आपको अनुभव और भी बढ़ेगा। इसलिए मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी सबको शेयर कीजिए और मेरा वीडियो आजकल खूब जना देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। हमारा वीडियो आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ज्ञान मिल सकता है।